गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 31 दिसंबर। तो आज हम जा रहे हैं क्योंकि कहीं, मतलब कि एक्चुअली हम सोच रहे थे कि कहीं आसपास कहीं हो आते हैं। तो एक्चुअली मेरा भाई जो है वो आया है, उसने सरप्राइज दे दिया। उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया था कि मैं आज आ रहा हूँ, लेकिन उसने बोल दिया कि मैं आ गया हूँ अभी। तो मैं सोचा कि चलो चलते कहीं। उसके बाद, उसके अलावा मेरे जो मामू के बच्चे हैं अभी वो छोटे हैं, तो वो कजिन्स वगैरह, हम सब जो बच्चा पार्टी है सब जा रहे हैं हरि सिंह पार्क। तो अभी वैसे आगे देखने को मिलेगा कि अब कोई पता नहीं है कि हमारा प्लान भी चेंज हो सकता है। तो वैसे तो फिलहाल हम वहीं जा रहे हैं क्योंकि बाकी भी हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा रश है। तो देखते हैं कि अब हम आगे कहाँ जाते हैं। लेकिन अभी हम गाड़ी में बैठ चुके थे तो सोच रहे थे कि चलते, जहाँ पे मन किया तो वहां हम निकल जाएंगे। तो वैसे तो आस पास ही कहीं जाएंगे, तो क्योंकि हम बहुत देर से कहीं नहीं गए थे इसको लेके, लक्ष्य को लेके, तो इसीलिए सोचा कि चले जाते हैं। 31 है तो अब आगे की वीडियो आपको, आगे में क्लिप्स जहाँ पे भी जाएंगे हम वहां से क्लिप्स आपको दिखाती रहूंगी। सो गाइज, तो हम पहले जा रहे हैं नानीघर। एक्चुअली मेरा जो नानीघर है वो मेरे घर के पास ही है, तो वहां से हम अपने कजन्स को लेंगे और मेरा भाई भी वहीं पे ही आया है। तो हम लक्ष्य कहाँ जा रहे हैं? नानीघर। तो ये जो मेरा नानी घर है, तो जो मेरे मामू हैं उनको भी मामू ही बोलता है। तो जो मेरी कजन है, मतलब मेरे मामू की जो बेटी, इसकी उसके साथ इतनी ज्यादा बनती है, वो छोटी है अभी, तो काफी ज्यादा इनकी बॉन्डिंग है अपने आप दोनों में। तो मुझे लगता है कि जब वो इसको दिखेगी ना तो काफी ज्यादा खुश रहेगा, वरना ये गाड़ी में ही सो जाता है। तो देखो ये बैठा किधर है, ये बैठा है यहाँ पे। तो लक्ष्य कहाँ बैठे हो आप? गाड़ी में। ये इसकी ये अपनी परमानेंट सीट है, ये यहीं पे बैठा होता है। तो अभी जो मेरे हस्बैंड है वो गए हैं शॉप पे कुछ लेने के लिए, तो अभी वो फिलहाल आएंगे, तो उसके बाद हम लेंगे कजिन्स को। हे गाइस, तो अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। तो ये देखो पीछे लक्ष्य बैठा है और ये है मेरे भाई। ये इनके भाई हैं, मैं इनके मदर के ब्रदर का बेटा हूँ। ये मेरी छोटी बहन है, ये इनका बच्चा है। यहाँ पे बगल में इनके हस्बैंड बैठ गाड़ी चला रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड है। तो इसने खुद ही, ये मेरे मामू का बेटा, इसने खुद ही अपने आप को सबको इंट्रोड्यूस करवा लिया, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। तो बताओ अब आपने कहाँ जाना है? यहाँ लेकर जाओ, मैं रह जाता हूँ। मैं भी। क्या क्या? यहाँ लेकर जाओगे हम चले जाएंगे। ठीक है, बोलो मास्क उतार अपना। तो मास्क उतार दो ना अपना, गाड़ी में बोल देंगे यार। ये बहुत ज्यादा सीरियस है, मास्क उतारता ही नहीं है। अब उतारा इसने मास्क, उतार दो मास्क, जब वहां पे जाएंगे ना फिर पहन लेना। ओके ठीक है। वो लक्ष्य वो बैठ गया गौरी के पास, इसका नाम है गौरी। नहीं आई रहा। तो आप आगे के ब्लॉग्स में भी इसको देखोगे कि ये काफी ज्यादा हमारे घर आती है और ये भी आपको देखेगी डांस करती हुई कभी कहीं कभी कहीं लक्ष्य के साथ। और समर तूने सरप्राइज दे दिया यार, तूने बताया भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ, तो मेरे को पता भी नहीं था, तो तूने एकदम से बता दिया कि मैं आ गया हूँ यहाँ पे इतनी दूर से। तूने बताया क्यों नहीं पहले मेरे को? मेरा प्लान फिक्स नहीं था ना यार। मेरे भाई ने ना मेरे को बताया भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ कटरा से, तो इससे तो बहुत बड़ा सरप्राइज दिया मेरे को आज 31। सभी चलते हैं आज हम चक्कर लगाने कहीं घूमने। सो गाइज, तो अब हम जा रहे हैं हरि सिंह पार्क। तो ये वहीं का रास्ता है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि फ्लाईओवर है, बिल्कुल अभी बना है ये, तो अभी बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये अभी मतलब कि आधे से ज़्यादा तो बन चुका है ये। तो हम बस यहीं से जाएंगे हरि सिंह पार्क। हमारे जो घर से थोड़ा सा दूर है हरि सिंह पार्क, तो लेकिन फिर भी हम काफ़ी देर के बाद जा रहे हैं वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रश होगा मुझे लगता है, क्योंकि ठंड भी इतनी ज़्यादा, और 31 है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये है पाम आइलैंड मॉल, तो ये फ़िलहाल बंद हो चुका है, वरना मैं आपको यहाँ का विज़िट करवाती। ये अभी कुछ इनका कुछ चल रहा था यहाँ पे, तो इसलिए बंद हो चुका था, तो बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ये अंदर से भी। तो उसके अलावा अब हम पहुँच रहे हैं जीवल, तो वहीं से रास्ता है हरि सिंह पार्क जाने का। लक्ष्मी नींद तो नहीं आ रही है? गन्नू क्यों चुप हो आप? मेरा मम्मी बोलेगा अगर मैं बोलने लग जाता तो मैं जरूरत से ज्यादा भी कभी कभार बोल देता हूँ। कोई बात नहीं, बोलो जरूरत से ज्यादा बोल दो, कोई चक्कर नहीं है, बोलो बोलो। ठीक है, मैं ठीक है जी बोलता हूँ। एक प्लैनेट है ना, हाँ, जो बोला जा रहा है लाइफ के लिए काफी अच्छा खासा, मतलब ये बोला जा रहा है
ये उन प्लैनेट्स में थे जो बोला था अर्थ से भी ज्यादा अच्छे है लाइफ के लिए, एक प्लैनेट है। अच्छा फिर काफी ऐसे प्लैनेट भी, और एक प्लैनेट सोलर सिस्टम के बारे ऐसा भी मिला था जो अपने सन से 3000 गुना बड़ा था। ओहो देखो उसका, देखो उसका मास वगैरह सब कुछ अपने सन से कम था, तभी वो सन के ज्यादा घूम रहा था। कुछ ऐसा प्लैनेट गन्नू की शक्ल नहीं दिख रही, गोरे गन्नू की शक्ल ये लॉज को भी चैलेंज करते, कुछ ऐसा प्लैनेट भी बड़े मिले सोलर सिस्टम में। अच्छा वेरी नाइस। और अब एक प्लैनेट भी मिला था जो ना जिसके रिंग्स थे सैटर्न की तरह, उसके सीन पूरे 90 मिलियन किलोमीटर तक के। अच्छा बड़ी ज्यादा नॉलेज है गन्नू को तो। अरे मैं इनके साथ कल वीडियो पूरी देखी थी यार। अच्छा गन्नू को काफी ज्यादा इंटरेस्ट है ना इन सब चीजों में, स्पेस के बारे में, स्पेस के बारे में, एनिमल्स के बारे में। कल मैं देखी थी वीडियो, कलर का ट्विटर भी देखा था, पिंक कलर का यूट्यूब वीडियो। और गोरी को, गोरी आपको किस में इंटरेस्ट है? क्या बोलते हैं, डांस बोलते हैं ना। इस गोरी की वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी, ये काफी अच्छा डांस करती है। नहीं नहीं मेरे को इंटरेस्ट है साउथ कोरिया में, के-पॉप में। और उधर क्या करना है? बस मैंने गोरी ने दोनों ने किया साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया में जाएंगे मैं और गोरी बस सपने में। लक्षु साउथ कोरिया कौन है? ये कौन है, ये कौन है साथ में, कौन है आपके? गोरी माछी। समर एग्जाम कब शुरू है? 24 फेब से। ओके और प्रैक्टिकल्स? प्रैक्टिकल सेकंड से। अच्छा 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 ठीक है। मम्मी ने, यार मेरे को मम्मी ने भी नहीं सुनाया कि तू आ रहा, मेरी तो बात भी हुई थी उनसे। मैं कल जब पहुंचा ना जानीपुर तब मैंने तेरे को फोन किया था। अच्छा जब मैंने उठाया नहीं था। अच्छा यार मुझे तो पता ही नहीं चला यार उस टाइम पे, ये सोया हुआ था ना लक्षु। भूख लगी है? मेरे को तो लगी है। क्या क्या खाना आपने? मेरे पास है पैसे। क्या क्या खाना आपने? पैसे नहीं पूछ रही, क्या क्या खाना है? पैसे खाने हैं। मैं खा लूंगा, मुझे भी कुछ भी खिला। नहीं गन्नू क्या खाना है? और कुछ भी खिला तो मैं खा लेगा। खा लेगा तो इसने गोरी ने कुछ भी। लक्षु आपने क्या खाना है? अरे खाएंगे तो दूध भी दही या पिज्जा। मैंने पिज्जा खाना, मैंने पिज्जा खाना। अगर इसको पिज्जा खाना पॉपकॉर्न खाने हैं उसने, वो देखो क्या बोले पॉपकॉर्न। समर तूने? मैं कुछ भी खा लूंगा, मुझे कुछ चल जाता है यार। खाते नहीं यार वो, बोला समर, बोला समर पॉपकॉर्न खाने। मैंने खाने हैं पिज्जा, आर्यन तो मैंने खाना है बर्गर, इसने खाने हैं पॉपकॉर्न पिज्जा पॉपकॉर्न ठीक है। आपने चांप खानी है और कुछ? डोमिनोज। हाँ ठीक है पास में ही है। आपकी छुट्टी कब तक है गन्नू गोरी? फोर तक। ओके लक्ष्य बोलो। 1 2 3 सो गाइज़ तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं हरसिंह पार्क। पहले हमारा कोई भी प्लान नहीं बन रहा था वहां जाने का, बट फाइनली हम पहुंच के, क्योंकि मैंने एक जगह और देखी थी बट वो वहां पे बहुत ज़्यादा रश था, तो अब ये है हरसिंह पार्क जाने का रास्ता। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी बाइक्स और गाड़ियां बाहर ही लगी हैं। इनकी पार्किंग भी है, आई थिंक वो पार्किंग बहुत फुल है, इसलिए हम भी गाड़ी वहां पे नहीं लगा पाएंगे, हमें भी बाहर ही लगानी पड़ेगी। लेकिन बाहर भी लगाने की जगह बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते कितना ज़्यादा रश है। लेकिन अब हम यहाँ पे उतर जाएंगे तो उसके अलावा जो गाड़ी है वो हमने वहाँ पे पार्क कर दी है। तो ये है फ्रंट व्यू हरिसिंह पार्क का। तो हम पहुँच चुके हैं हरिसिंह पार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हरिसिंह जी का एक स्टैचू है काफ़ी बड़ा, यहाँ पे लोग अपनी फोटोग्राफी वगैरह करते हैं यहाँ पे। उसके अलावा ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स है, बहुत ही अच्छे फ्लावर्स है, और रश यहाँ पे इतना ज़्यादा था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है। लोग बैठे हुए थे यहाँ वहाँ देख रहे, यहाँ बैठने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी कि इतना ज़्यादा रश था यहाँ पे। तो उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लावर्स कितने ज़्यादा अच्छे थे। और उसके बाद ये देख सकते हैं कि जो हरिसिंह जी का जो स्टैचू है वहाँ पे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, ये एंट्रेंस उसका आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको टिकट भी लेनी पड़ेगी, जो अडल्ट है उनकी जो टिकट है वो 10 रुपीज़ की है, और जो छोटे बच्चे हैं उनकी 5 रुपये की टिकट होगी। तो आपको यहाँ से टिकट्स भी लेनी पड़ेंगी। और ये देख सकते हैं गाइज इतना अच्छा व्यू है हमारा यहाँ का जम्मू का। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेफ़्ट में बाबा वाली माता दिख रही हैं, उसके बाद ये रेस्टोरेंट
स्टेशन था 17 miles, बट ये अनफॉर्चुनेटली बंद था, ये बंद हो चुका है, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ भी खाने को नहीं मिला। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। तो उसके अलावा आप देख सकते हैं कि रश और कुछ भी नहीं था यहाँ पे, एक पानी वगैरह भी मतलब कि तो हमें मिल जाता था अंदर वहाँ पे बॉटल्स वगैरह, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला ऐसा। तो यहाँ पे तो आप सिर्फ देख सकते हैं, और उसके बाद झूले हैं यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए, और रश इतना था आप बिल्कुल देख रहे हो आप यहाँ पे। सो गाइस, तो हम यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि हमारे साथ जो बच्चे थे उनको कुछ खाना था, वो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट वगैरह था वो तो बंद था, तो सिर्फ हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, तो इसलिए हम अब यहाँ से किसी और जगह चलते हैं। तो हम तो यहाँ आए थे हर सिंह पार्क में, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो कि पार्क, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन क्योंकि आज 31st थी तो बहुत ही ज़्यादा रश था। सो गाइस, हम बैठ चुके हैं रेस्टोरेंट में, तो बहुत ही मुश्किल से हमें जो जगह मिली है, यहाँ पे सीट नहीं थी और कहीं पे भी नहीं थी ना, कहीं पे भी हमें कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो फिलहाल हमें मिल गई है, हम सब बैठ गए हैं यहाँ पे। दोस्ता ठीक है, लक्ष्य क्या खा रहे हो आप? अच्छा बदम जगाना था ना, क्या हो गया? मेरे को परेशान कर रहा है। हाँ मिली हुई है। तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़ाई कर रहे हैं। मुंजी ये कर रहा है बाबू, तो किंची ये कर रहा है। अरे मैं छोड़ दो। नहीं छोड़ सकते यार, ये परेशान कर रहा है। शुक्र है पकड़ा। ना छोड़ दे, छोड़ दो। अरे लक्ष्य छोड़ो। छोड़ दो, छोड़ दो। इसने खा पी के ना फिर से वो पहन लिया हुआ है मास्क। सो गाइज, तो फाइनली हम घर वापस जा रहे हैं। जो भी हमने पार्टी वगैरह करनी थी छोटी मोटी, वो हमने कर ली है, और हम इतना ज़्यादा कुछ मंगवा नहीं पाए थे क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग रहा था चीज़ें आने में भी, और काफ़ी ज़्यादा रश भी है, और हमें घर पहुंचने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक भी है। तो आज की जो छोटी मोटी जो वीडियोज़ थी, ब्लॉग के लिए जो क्लिप्स जो मैंने इकट्ठी की थी, मस्ती जो हम कर रहे थे, तो मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको आज की जो मेरी वीडियो ब्लॉग है अच्छा लगा हो, तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हैप्पी न्यू ईयर सबको, आपको बहुत सारी खुशियां मिले, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है आपको हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।